कर्फिल पुलिस स्टेशन के बीट क्रमांक 3 में हिल व्यू सोसाइटी के अंदर रहने वाले यूसुफ सैयद इनकी फैमिली रहती है, दो भाई यूसुफ सैयद और सलीम सैयद, और ये इनकी औरतें यूसुफ की मिसेस का नाम शाबिरा और सलीम की सौलिया, ये यहाँ पे रहते हैं, और प्लस उनके दो बच्चे प्लस उसकी एक भांजी यहाँ पे रहती है जो जन्म से ही मतलब 6 महीने के बाद से यहाँ रहने साधारण 14 साल से वो वहीं पर है, और उसकी जो भांजी है जो इस पूरे घटनाक्रम में मृत हुई है, 4 तारीख को सायन हॉस्पिटल से EPR आया था कि वो वॉशरूम में वॉश लेते समय गिर गई और बेसुध अवस्था में लाई और डेथ बिफोर एडमिशन दिखाया गया है। हमारे पुलिस फोर्स ऑफिसर्स वहाँ पे इमीडिएट रश किए, उन्होंने डेड बॉडी का मुआयना किया तो उसके गले पे लिगेचर मार्क्स थे जिसकी वजह से बेसुध ने गले पे कुछ तो भी मतलब सस्पिशियस केस लगा, तो हमने जो डॉक्टर्स हैं उनसे टेंटेटिव डेथ कॉज ऑफ डेथ के बारे में रिक्वेस्ट किया, जो कि उन्होंने 5 तारीख को हमें बताया कि ये स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उसका मरण हुआ, ये बेसुध की वजह से नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ है। उस हिसाब से फिर हमने ज़्यादा तहकीकात की, लड़की की जो मामी थी उसके पास में तहकीकात किया, घटनास्थल पर जाके उसका मुआयना किया, उसके साथ में क्रॉस एग्जामिन किया, तो जो घटनास्थल में जो वॉशरूम है वो 3x3 का है जिसमें कि गिर के मरना या ऐसा कुछ होना इट इज़ नॉट पॉसिबल, उस बारे में सविस्तार जब चौकसी की तो लास्ट में उसकी मामी ने कबूल किया कि उसने ही उसका गले में जो ओढ़नी लेते हैं ओढ़नी से दबा के उसका गला दबाया और उसका उसके हत्या का कारणीभूत हुई है वो, उसने वहाँ पे कबूल किया, उस हिसाब से वो सब पूरा ओढ़नी हमने ताबे में लिया। साबिरा यूसुफ सैयद और उसकी जो देवरानी है सौलिया सलीम सैयद, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया है, प्लस साबिरा की जो लड़की है वो माइनर है उसको भी अटक किया, सबको कोर्ट में डिफरेंट मतलब साबिरा और सौलिया को कोर्ट में हाजिर किया और जो माइनर थी उसको चिल्ड्रन कोर्ट में हाजिर किया है। साबिरा और सौलिया को 9 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी हुई है जबकि वो माइनर लड़की को 19 तारीख तक की पुलिस कस्टडी मिली है। पीछे मुख्य वजह भी जो क्राइम ऑफिसर में मालूम पड़ रहा है कि वो लड़की इनका सुन नहीं रही थी इसकी मामी का, और मामी थोड़ा उग्र स्वभाव की है, कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले उसने अपनी देवरानी के भी हाथ में काट लिया था, और वो उग्र स्वभाव हाई टेम्पर होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, और वो लड़की काम उसका सुन नहीं रही थी, इसका गुस्सा आकर उसने उसके गला दबा के मार दिया। सर एक जो वजह वो भी सामने आ रही है कि आरोपी का ये कहना है कि क्योंकि शुक्रवार था वो जुम्मा की नमाज उसने अदा नहीं की इसलिए उन्होंने उसे मारा, तो इसमें क्या सच्चाई है सर? नहीं, वो 15 साल से उनके साथ में रह रही थी तो इस बारे में वैसे हम और भी डिटेल में जा रहे हैं कि अगर जो 15 साल से वो नमाज पढ़ रही थी तो एक दिन में ऐसा कुछ क्या आ गया कि नमाज नहीं पढ़ रही थी, इस बात में उतना हमें तथ्य नहीं लग रहा है क्योंकि वो कुछ उसको अलग डायरेक्शन में कलर देने की कोशिश भी कर सकते हैं, फिर भी इस बारे में तहकीकात चालू है, जैसे भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हम लोगों को आज तक ये कोई महसूस नहीं हुआ कि जैसे बच्ची जो है उनकी नहीं है, हमको तो ये लगता था कि बच्ची उनकी खुद की है, मामा मामी उसको पाल रहे थे, उनकी एक बड़ी बच्ची भी थी और बड़ी बच्ची के साथ वो रहती थी, हमने आज तक कभी भी ये महसूस ही नहीं किया। सर आपका नाम? असलम से। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो, कौन से फ्लोर पे रह रहे हो? 6th फ्लोर पे उनके बाजू वाला रूम है। अच्छा बाजू। सर एक चीज़ ये सामने वहाँ पे बैठ के खेलती थी, उनके छोटे बच्चे थे सब खेलते थे, हम लोग उनके सामने खेलते थे, सब कुछ था, बहुत बढ़िया था, कभी महसूस नहीं।